Hello students, in this video we are going to continue with chapter number 4, membership. Last video में हमने methods के बारे में discuss किया था. In this video we are going to discuss about termination of membership. It means closing of membership. When a member's name is deleted from the register of members, membership comes to an end. जब कंपनी के रजिस्टर में से register of member में से कोई भी member का नाम डिलीट हो जाता है, it means that membership comes to end, and यहाँ पे membership जो है वो ख़त्म हो जाती है. Membership stands to be terminated under the following circumstances. अब जो membership का अंत किस किस circumstances में होता है उसके बारे में यहाँ पे points दिए गए हैं. Very first circumstances by transfer of shares. अगर कोई भी share holder है वो अपने share किसी दूसरे person को transfer कर देता है तो उस जो existing share holder है उसकी membership उसी वक्त वहाँ पे ख़त्म हो जाती है. When an existing member sells all the shares held by him to another person or persons, then by share transfer process, membership is deleted from the register of members. Next is by transmission of shares. When a member passes away or becomes insolvent or is declared of unsound mind, then the shares are transferred under the operations of law to the legal representatives. In this situation, the name of the original member is deleted. अगर कोई भी शेयर होल्डर है जिसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाता है, एट दैट टाइम हीज शेयर इज ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन. ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लीगल, उसके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं. इन दिस सिचुएशन द नेम ऑफ द ओरिजिनल मेम्बर इज डिलीटेड. एट दैट टाइम जो ओरिजिनल मेम्बर है ऑफ द कंपनी उसका नाम डिलीट हो जाता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. Next is by forfeiture of shares. When shareholder defaults in paying the amount of calls on his share are forfeited after following legal procedure. जब shareholder है वो insolvent के amount company को pay नहीं करता तो company दो तीन बार उनको notice देती है कि आपके amount due है, pay कर दीजिए. After legal procedure फिर भी shareholder जो है वो amount pay नहीं करता तो company उनके share forfeit यानी कि cancel कर देती है. On forfeiture of shares his name is removed from the register of membership and his membership comes to an end. इस तरह से करने से अगर कंपनी ने उस शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट कर दिया यानी कि कैंसिल कर दिया तो उस शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में से निकल जाएगा और एट दैट टाइम ही बिकम अ मेंबर के जो उनके पद हैं उनसे वो फायर कर दिया जाएगा. यानी कि अब उस डेट पे उनका जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में से रिमूव कर दिया जाएगा और इसी तरह उनकी मेंबरशिप का भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. देयर शुड बी अ प्रोविजन इन अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर द प्रोसीजर ऑफ फॉरफिटर ऑफ शेयर. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी फॉरफिटर ऑफ शेयर की प्रोविजन है. नेक्स्ट इज बाय एक्सरसाइज ऑफ लाइन ऑफ शेयर. इफ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लाइन ऑन शेयर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड कंपनी एक्सरसाइज दिस टू रिकवर इट्स ड्यू फ्रॉम अ मेंबर बाय सेलिंग हिज शेयर हिज मेंबरशिप कम्स टू एन एंड विच हिज शेयर आर सोल्ड. जब तक कंपनी के पास शेयर होल्डर की कोई भी प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज की गई है यानी कि वो उनके जो ड्यू है शेयर होल्डर के ड्यू है जो वो पे नहीं कर रहे हैं, जब तक वो पे नहीं कर देते हैं कंपनी को उनकी इंस्टॉलमेंट की ड्यू अमाउंट, तब तक उस शेयर होल्डर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी के पास होती है. और जब उन्होंने सारे ड्यू पे कर दिए जो कि उनके बाकी हैं और कंपनी को अपनी जो एक्सरसाइज है वो रिकवर हो गई, अपनी जो अमाउंट है मनी है वो उनको मिल गई, तब तक जो है फिर क्या करते हैं कंपनी सारी अमाउंट शेयर होल्डर ने अगर पे कर दी है तो वो शेयर अब उनको सेल कर देंगे. हिज मेंबरशिप कम्स टू एन एंड एंड व्हेन हिज शेयर आर सोल्ड, जब उनके शेयर सेल हो चुके हैं तब एट दैट टाइम हिज मेंबरशिप कम्स टू एन एंड. तो ये हो गई बाय एक्सरसाइज ऑफ लाइन ऑन शेयर्स. अगर शेयर के ऊपर कोई भी जो मॉर्गेज की गई यानी कि उनके अगेंस्ट कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया है तो जब तक शेयर की अमाउंट कंपनी को नहीं मिल जाती तब तक के लिए जो है शेयर कंपनी के पास रहते हैं. आफ्टर रिसीविंग द ड्यू ऑल ड्यू फ्रॉम अ मेंबर बाय सेलिंग हिज शेयर, उनके शेयर को सेल करने के बाद अगर कंपनी को सारी ड्यू उनकी अमाउंट मिल गई तो उसी टाइम पे उनकी मेंबरशिप जो है वो एंड पे आ जाती है और वो कंपनी के मेंबर अब नहीं रहते हैं. नेक्स्ट इज़ बाय रिडक्शन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स.
When a company has issued preference share, then it returns the amount to preference share on completion of redemption period. अगर कंपनी ने इश्यू किए हैं प्रेफरेंस शेयर, तो अगर रिडम्पशन का पीरियड ख़त्म हो गया, सपोज़ कि प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं फॉर 5 ईयर्स, सो 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी वो अमाउंट रिटर्न करेगी, तो व्हेन कंपनी हैड इशू प्रेफरेंस शेयर देन इट रिटर्न अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन कंप्लीशन ऑफ रिडम्पशन पीरियड, तो रिडम्पशन पीरियड खत्म होने के बाद जो है कंपनी को उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी अमाउंट वापस करनी पड़ेगी. एज अ रिजल्ट द मेंबरशिप ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर केम टू द एंड. जब रिडम्पशन अमाउंट जो है उनको पे कर दी गई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने शेयर के अगेंस्ट रीपेमेंट कर दिया गया, उसी टाइम से जो है उनका मेंबरशिप उसी वक्त ख़त्म हो जाता है उस कंपनी में, क्योंकि उनको उन्होंने जितने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया था वो सारे अमाउंट कंपनी ने उनको वापस कर दी, तो अब वो कंपनी के मेंबर नहीं रहेंगे. नेक्स्ट इज़ बाय मेकिंग शेयर अलॉटमेंट वॉइड. When there is breach of provision of the Companies Act for regular allotment of shares, the affected shareholder applies to make the irregular share allotment void. As a result, his membership comes an end. जब क्या होता है यहाँ पे, अगर कोई भी shareholder है वो company के share purchase करने के लिए application देता है, उनको जितने भी share चाहिए, अगर उस हिसाब से company में कुछ भी breach है, breach of provision of Companies Act for regular allotment of share, वो जो है रेगुलर अलॉटमेंट नहीं कर पाती है शेयर होल्डर को, तो देन अफेक्टेड शेयर होल्डर अप्लाइज टू मेक द इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट वॉइड. फिर वो क्या करेगा, जिनको शेयर कंपनी अलॉट नहीं कर रही है, तो वो उनके शेयर होल्डर के जो है मनी वो कंपनी उनको वापस कर देगी. एज अ रिजल्ट हिज मेंबरशिप कम्स टू एन एंड. तो एप्लीकेशन के टाइम पे अगर कंपनी ने उनके शेयर एक्सेप्ट नहीं किए, तो ये जो एक्सेप्ट नहीं किए गए शेयर के जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के मेंबर नहीं रहते. एज अ रिजल्ट हिज मेंबरशिप कम्स टू एन एंड. तो इसी तरह से उनकी मेंबरशिप जो है वो एंड में आ जाती है, क्लोज हो जाती है. नेक्स्ट इज बाय लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. व्हेन कंपनी वाइंड्स अप एंड इट्स बिजनेस और गोज इनटू लिक्विडेशन, देन द बिजनेस कम्स टू एन एंड एंड मेंबरशिप ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड. जब कंपनी ही बंद हो जा रही है, जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और वाइंडिंग अप हो रहा है, कंपनी इज गोइंग टू क्लोज, देन ऑटोमेटिकली उनकी जो मेंबरशिप है वो भी कम्स टू एन एंड हो जाएगी. कंपनी बंद होने की वजह से सारे मेंबर्स के बीच में जो मेंबरशिप है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लोज एंड हो जाएगा उस मेंबरशिप का, बाय लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. नेक्स्ट इज बाय अमलगामेशन और मर्जर ऑफ कंपनीज. व्हेन अ कंपनी इज मर्ज इनटू सम अदर कंपनी और अ न्यू कंपनी इज एस्टेब्लिश टू अमलगामेट टू और मोर कंपनीज, देन द मेंबर ऑफ द कंपनी लोज देयर एग्जिस्टेंस एंड देयर मेंबरशिप इन सच अ कंपनी. एक कंपनी है, अब जिस कंपनी का मेंबर है कोई भी पर्सन, अब उस कंपनी की जो कंपनी है वो दूसरी 2-3 कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, यानी कि उनका क्या हो रहा है, अमलगामेशन हो रहा है. अब 2-3 कंपनी साथ में मिलकर जो है वो बिजनेस हैंडल करेगी, कंपनी के सारे एडजस्टमेंट हैंडल करेगी. तो व्हेन अ कंपनी मर्ज इनटू सम अदर कंपनी और न्यू कंपनी इज एस्टेब्लिश टू अमलगामेट, फिर वो 3 कंपनी साथ में मिलकर एक अलग कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, देन द मेंबर ऑफ द कंपनी लोज देयर एग्जिस्टेंस. मेंबर्स जो पहली कंपनी के थे वो अपने एग्जिस्टेंस को, अपने मेंबरशिप को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं. उनकी मेंबरशिप भी वहाँ पे जो है वो छूट जाती है. ऑफ कोर्स दे अक्वायर मेंबरशिप टू द न्यू कंपनी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशन. उस कंपनी के साथ उनकी मेंबरशिप छूट जाएगी, बट जो नई कंपनी वो लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं विद अमलगामेशन और मर्जर ऑफ कंपनीज, नई मेंबरशिप फिर उनको प्रोवाइड की जाएगी, बट पुरानी कंपनी के साथ जो उनकी मेंबरशिप है वो कम्स टू द एंड, दिस दैट मेंबरशिप विल कम्स टू एन एंड. सो दिस इज द कंडीशंस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप. की मेंबरशिप का टर्मिनेशन किस किस अलग अलग सर्कमस्टांसिस में होता है, तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया. नाउ इस चैप्टर यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. तो इस चैप्टर में जितना भी आपने सीखा है उस सबको रिवाइज कीजिए और ज़रूर रीड कीजिए. और अब आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन आंसर अपनी एसपी के नोटबुक में लिखने हैं. थैंक यू.